सत्यांत जी, मेरा सीधा सवाल, जिस बात पर आज छोड़ा था प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उनका साफ कहना है कि यस और नो की भाषा नहीं चलेगी, किसानों को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और किसानों को भी सोचना चाहिए कि आंदोलन किसी का भला नहीं करते, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस पर? दीपक जी, हमने मंत्री जी का बात सुना। पहली तो बात यह है कि पंजाब का किसान देशभक्त है, पंजाब के किसानों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये आप सब जानते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के किसान को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। किसान इसलिए आंदोलन लड़ रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जतन नहीं किया था पहले इन कानूनों को लागू करने से पहले, किसानों की बात बिल्कुल नहीं मानी गई ना सुनी गई है। जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। हम आंदोलन करते हैं कि हमारा APMC जो मंडीकरण सिस्टम है उसको आप ना छेड़ें, बहुत अच्छा मंडीकरण सिस्टम पंजाब का चलता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर पिछले 70 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं की, तो COVID-19 के दौर में सरकार का क्या मजबूरी बन गया था कि इस एक्ट को जल्दी जल्दबाजी से ऑर्डिनेंस को लागू किया गया, राज्यसभा में इसको किस तरीके से पास किया गया, और सरकार ना मैं ना मानू की बात पर अड़ गई सरकार। इसीलिए किसान आंदोलन लड़ रहा है, हमारे पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं काम कर रही, पंजाब में निरोल, हम सिर्फ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मंच पर हम किसी भी ऐसी ताकत को बोलने की इजाजत नहीं देते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की इजाजत नहीं देते। हमारा आंदोलन राजनीति से बिल्कुल अलग है। हमारी किसानों की ये मांग है कि हमारी जो किसानी से रिलेटेड मुश्किलें हैं उनको सरकार हल करें, हमारी बात सुनें, हमारा मैटर हल करें, हमारी समस्या को हल करें, इस एक्ट को रद्द करें। यदि इस एक्ट में कुछ बुरा नहीं, सरकार कह रही है इस एक्ट में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हम किसान कहते हैं इस एक्ट में कुछ भी भला नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन अगर क्या कानून वापस ले लें तो उससे किसानों का भला हो जाएगा? और ये भी एक तथ्य है कि जो आंदोलनरत है और आज देश जो पूरा भारत बंद हुआ वो आंशिक रहा और ज्यादा असर उसका सिर्फ और सिर्फ पंजाब में देखने को मिला। हम दिल्ली में बैठे हैं दीपक जी, पूर्ण बंद है। सरकार को हम निम्रता से बेनती करते हैं कि सच को समझें, सच से मूछ पाने से बात नहीं बनेगी, जो सच है उसको मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, किसान ऑर्गेनाइजेशन को भी मानना पड़ेगा। जो सच है उसको सच को मानकर इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें ताकि किसान की मुश्किल भी दूर होए। हम आंदोलन को बंद करके घरों में तभी जाएंगे जब सरकार बात बनेगी कोई।